so please. Shukriya. ये कुछ लीगल पेपर्स हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। और ये कुछ चीजें जो मुझे आपको देनी थी। उनकी रिंग का है। Yes. से जो पसंद आए लेने तो मनाहे ले तो ये सब चीजें इस्तेमाल करनी है। हर सूट में कोई बुराई नजर आ रही, कोई पसंद ही नहीं आ रहा इसे। बेटा क्या ये जगह अच्छी नहीं लगी तुमको? खलील भी साथ आ जाता तो अच्छा रहता अम्मा। मनाहिल तो पहले पसंद कर ले। अरे चंद घंटों के लिए इतनी महंगी चीज लेने की जरूरत ही क्या है, पता नहीं कितना महंगा पसंद कर लेगी। अगर ये महंगी हुई ना तो फिर हम लोग पैसों की बात करेंगे, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि हमारी बात सुनेगी वो। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। हेलो, हाय, हेलो, हाय। जरा देखूं तो कितनी प्यारी लग रही मेरी बेटी। अच्छा है ना? माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। ये अच्छा लग रहा है ना? आपका क्या ख्याल है अम्मी? बहुत अच्छा है। बिल्कुल परफेक्ट है ये बेटा। वो वाला दोबारा ट्राई करके देखूं? ट्राई कर तो लो, मगर मुझे लगता है हमारी रेंज से बहुत बाहर है। आप प्राइस की फिक्र ना करें, खलील साहब एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। मनाहिल तुम्हारा फोन है। खलील है। हेलो, क्या हो रहा है मनाहिल? ड्रेस पसंद आया तुम्हें? नहीं अभी नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा है तो सारे खरीद लो, फिर हम 40 दिन और 40 रात से शादी मनाएंगे। फिर एक एक करके सब पहन लेना। तुम कहाँ हो? मैं बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। खलील 10 मिनट में यहाँ पहुँच रहा है। शादी से पहले खलील को ऐसे इन कपड़ों में नहीं देखना चाहिए। अगर दूल्हा दुल्हन को शादी से पहले इन कपड़ों में देख ले तो बदशगुनी होती है।
इसने खलील को यहाँ बुला लिया है। सुहेला, पता नहीं अम्मा, मुझे इन चीजों से बहुत डर लगता है। अच्छा सोचो तो सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। बॉस्निया से क्या मिला तुम्हें और क्या किया तुमने मुझे कुछ नहीं पता, मगर शायद तुम उन नंबर्स के चक्कर में किसी गलत राह पे निकल चली हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बात का ताल्लुक नंबर्स से है? जो कुछ भी तुम आजकल सोच रही हो उसके पीछे कुछ तो है। खलील मेरा सगा बेटा है ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम क्या जानती हो? हाँ वो मैं जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती हो जैनब। लेकिन अगर आप किसी दिन जानना चाहें तो शेयर्स लेकर आप मेरे पास आ जाएगा। अंकल अब मैं चलती हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, वरना मैं आपके पास जरूर रुकती। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती। मेरे ख्याल से बहुत महंगी होगी। कम ऑन मनाहिल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो लो जो तुम्हें चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, परफेक्ट। क्या ये डायमंड है? पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। ये क्या है? ये मेरी अम्मी की रिंग है बनाहिल, वो इसको कभी उंगली से नहीं उतारती। ये रिंग अम्मी की सबसे कीमती निशानी है मेरे पास, और मैं चाहता हूं कि अब से तुम ये पहना करो। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? अगर आज वो जिंदा होती तो यकीनन वो अपने हाथ से इसको तुम्हें पहनाती। थैंक यू खलील। मैंने उनको साइज एडजस्ट करने के लिए अंगूठी दी थी ताकि बिल्कुल तुम्हारे फिट आए। इसको पहन के दिखा दें आप। थोड़ी बड़ी है। ठीक हो जाएगी, मैं आज ही इसे भिजवा देता हूँ, कल या परसों तक आप ले लीजिएगा। ठीक है, और ये वाली कैसे? तो ठीक है, जब तक ये नहीं आती यही पहनी रहो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ। मत जाओ। तुम वो तकलीफ महसूस नहीं कर सकती अमीना जिससे मैं गुजर रहा हूँ। डर लग रहा है मुझे, अगर तुम वापस ना आए तो मैं शबनम से क्या कहूंगी मुस्तफा, क्या कहूंगी उसे कि बाबा फिर चले गए। मत जाओ प्लीज।
प्लीज मेरी खातिर मत जाओ, शबनम की खातिर। मेरे पास कोई जवाब नहीं। रुको, अगर तुम्हें जाना ही है और बदला लेना है उनसे तो ठीक है, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। मैं मदद करूंगी तुम्हारी, सिर्फ इसलिए कि इस सब के बाद तुम मेरे हो सको, इसलिए कि हम नई जिंदगी शुरू कर सकें। बस तुम मेरी बात मान लो मुस्तफा, और अभी मत जाओ प्लीज। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं लेके आऊंगी उसे यहां, इंतकाम की साख को ठंडा करने में। अमीना तुम्हारी मदद करेगी मुस्तफा, यकीन करो तुम। अरे तुम लोग देखते उस दुकान पर कैसी आवभगत हो रही थी हमारी, जैसे हम लोग किसी शाही खानदान से हों। पता नहीं खलील ने कितने पैसे दिए होंगे शादी के ड्रेस के लिए। उसने हमें सख्ती से मना किया है कि हम में से कोई उससे पैसों की बात ना करे। अरे उन लोगों ने हमसे पैसों के बारे में कोई बात ही नहीं की। मनाहिल अपनी रिंग तो दिखाना। वाह बड़ी अच्छी लग रही है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। सिर्फ एक अंगूठी दी है, ये भी बहुत है। उसकी अम्मी की भी एक रिंग है जो उसने मुझे दी है और मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सिर्फ एक रिंग और कोई जेवर नहीं। हमें उसकी दौलत नहीं चाहिए। दौलत से कुछ नहीं होता, दिल अमीर होना चाहिए। हम भी खलील के लिए कुछ ले लेंगे। तुम लोग खुद ही कुछ ले लेते, जब तुम लोगों ने देख लिया था कि वो कुछ नहीं खरीद रहा तो खुद ही ले लेते कोई नेकलेस ब्रेसलेट वगैरह। इससे तो अच्छा मुस्तफा था जिसने इतना जेवर दे दिया था, अब ये क्या समझता है कि अंगूठी देकर छूट जाएगा। मत सुनो इनकी बात। ऊंची आवाज में बात करो। क्या कहा तुमने कि मत सुनो इनकी बात? ये मत भूलो कि मैं बाप हूँ तुम्हारा, दिमाग ठिकाने लगा दूंगा तुम सबका। मैं खुद अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। बातें करते हैं। तुम जाने दो बेटा, खाना खाओ, खाना खाओ ना। किने फसा लिया तुम्हें, वो शैतान है सुन लो। अगर वो शैतान है तो मैं भी जहन्नुम का दरोगा हूँ, मैं सबक सिखा दूंगा उसे। तमारा आ रही हूँ। हेलो। हाँ क्या खलील है घर पे? आप कौन है? मैं उसका बाप। उसके बाबा हैं आप? आइए आइए अंदर आइए। तमारा कौन है? आपके बाबा, आइए। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हारा जाओ यहां से। क्या हुआ है? तुम नहीं चाहते थे मगर मैं बाहर आ गया। आप इंतजार कर रहे थे? आप परेशान मत हो, आखिरकार जाना आपको वहीं है, फिर जरूर आऊंगा मिलने, ताकि अगली दफा आपको शिकायत ना हो। कोई बात नहीं, इस बार एक रास्ता मिल गया और आप बाहर आ गए, मगर ज्यादा दिन भाग नहीं सकता, अपनी की सजा तो जरूर मिलेगी आपको। मनाहिल की डिवोर्स हो गई? जी जी हाँ, और 10 दिन बाद भाई शादी भी है। खुशी हुई? खलील जैनब और नंबर्स के बारे में कुछ जानती है?
किस किस्म के बच्चे बाप लोग हैं? कभी सोचा आपने? हम पार्टनर्स नहीं हैं। क्या तुम इन नंबर्स के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, पर मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। सच बताओ। अगर पता होता भी तब भी नहीं बताता। खलील जैनब को सब पता है। खलील जैनब कुछ ऐसा जानती है जिसकी वजह से वो मुझे कंपनी के शेयर्स की डिमांड कर रही है। ऐसी डिमांड का मतलब समझते हो? जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो बहुत ही अहम है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? देखें इधर, कोई बच्चा नहीं खड़ा आपके सामने। आप और जैनब मिलकर एक और गेम बना रहे हैं, राइट? मैं अब आप लोगों के साथ खेलना नहीं चाह रहा। मैं बहुत थका हूं, मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है। तमारा, ये जा रहे हैं। आइए। कोई अपने बाप से इस तरह से बात करता है? ओहो, इसका मतलब इंशाल्लाह एक दो दिन में स्टोर ओपन कर सकते हैं। इसी हफ्ते में हमें ओपनिंग कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं एक ही दिन में सारे काम खत्म कर लूंगी। मनाहिल, देखो सुनो, अगर तुम चाहो तो सारे सप्लाई हमें होंगे, और अगर मुझे अलग किया तो फिर गड़बड़ है। ये कैसे होगा? गुड मॉर्निंग। स्टोर के लिए मुबारकबाद। ये बेकरी कितने अरसे में खुल जाएगी? जल्द ही ओपन होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरे ख्याल से आपको यहाँ वर्कर्स की जरूरत तो होगी। मेरा तजर्बा भी है, मैंने एक बेकरी में बहुत अरसा काम किया है। इसका मतलब आपको ये वाला काम आता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। मुझे उम्मीद है आपको शिकायत नहीं होगी। मेरे ख्याल से तो एक हेल्पर का मजीद इजाफा ही हो जाएगा। हाँ मगर तो ठीक है, ट्राई करने में क्या? ठीक है, देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है? अमीना। अमीना नाम है मेरा। मैं मनाहिल, और ये मेरे मंगेतर हैं खलील। जी, 10 दिन बाद शहर हो जाऊंगा। मिलकर खुशी हुई बहुत। ठीक है, तो बहुत मुबारक हो। आपकी लक चल रही है मिस्टर मुसद्दिक, अब आपकी जान सर्विंग से बच जाएगी। हाँ ये तो है, लेकिन मैं हेल्प करता रहूंगा। आप कब से काम शुरू कर सकती हैं? हम इस वीकेंड तक शॉप स्टार्ट कर देंगे। अगर कहें तो काम आज से ही शुरू कर दूं मैं, लेकिन एक मसला है मेरा, मेरी बेटी होगी मेरे साथ। ओह रियली? बुरा ना लगे आपको तो उसे मैं सुबह ले आऊं अपने साथ, कोई मसला तो नहीं होगा? हाँ क्यों नहीं अमन। लेकिन हमें आपके रिकॉर्ड्स वगैरह, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफाइड देखने होंगे, फॉर्मेलिटी होती है। ओह, वो तो ठीक है, पर इतनी जल्दी तो नहीं मिलेगा मुझे। अगर आज ही आप कॉपीज के लिए अप्लाई करते हैं, कल तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत, कल आ जाऊंगी मैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तो खैर, काम हो ही गया आखिरकार। जितने ज्यादा हेल्पर्स तुम्हारे पास होंगे, उतना ही ज्यादा वक्त मेरे लिए निकाल पाओगे। खलील, मेरे पास हेल्पर्स हो या ना हो, तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। क्योंकि मनाहिल खलील की है, और उसका वक्त सिर्फ खलील का वक्त है।
तुम्हें क्या लगता है, तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी तो मुझे मसला होगा कोई? भाई कहते हैं कि हर वक्त उसके साथ रहोगी तो वो तुमसे बेजार हो जाएगा। अगर ऐसा कोई दिन आया कि मैं तुमसे बेजार हूँ, वो दिन आखिरी दिन होगा जिंदगी। गाड़ी की स्पीड यही रखो। ठीक है, पीछे करते रहो। हेलो जी, एक सेकंड, मिस्टर समी का फोन। हेलो, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कुछ भी खत्म नहीं हुआ अभी, ये लोग अब भी हमारे पीछे पड़े। मैं चाहूंगा कि तुम उनके सामने मत आओ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। उस आदमी का क्या हुआ? मुस्तफा भाग गया, मगर मैं बहुत जल्द उस तक पहुंच जाऊंगा और कुछ ही दिनों में वो आपके सामने होगा इंशाल्लाह। मेरे लायक कोई और खिदमत? जैनब के हाथ कुछ ऐसी चीजें लगेंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते। समी, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द उन चीजों के बारे में पता लगा लो। बिल्कुल ठीक। मुझे पता है तुम कहां छुपी हुई हो। हाँ, ढूंढ लिया मैंने। मेरी बेटी की तो खुशबू बता दीजिए कि वो कहां है। हाँ, मेरे ख्याल में करीब पहुंच गए उसके। खुशबू तो उसकी यहीं कहीं करीब से आ रही है मुझे। हाँ, ओ पकड़ लिया मैंने। चलो अब तुम ढूंढोगे मुझे। मैं अब इतनी देर से छुपन छुपाई खेलते हुए थक गई हूँ, कुछ और खेलते हैं। कोई बाबा। बात नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई शबनम। भागो। मम्मी, बार्बी डॉल। जाओ खेलो। शाबाश 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 शाबाश। हाँ जल्दी बताओ मुझे, हो गया काम तुम्हारा? जॉब मिल गई है मुझे मनाहिल की नई बेकरी शॉप पर, एक हफ्ते में खुल जाएगी। अच्छा, आसान हो गया अब सब। कैसे मिली तुम्हें? जैसे तुमने कहा था, सुबह उनके घर पहुंच गई और इंतजार किया उनका। थोड़ी देर में खलील आया और उसे अपने साथ ले गया। बहुत खुश हैं दोनों एक साथ, क्योंकि मंगनी कर चुके हैं। मंगनी भी कर ली इन्होंने? एक आदमी है वहाँ जो मनाहिल के साथ रहता है, मेरे ख्याल से गार्ड है उसका। सच है मंगनी वाली बात? वो दोनों थोड़े दिनों में शादी भी कर रहे हैं। मार डालूंगा इन्हें। झूठ बोलते हो कि तुम्हें उससे प्यार नहीं? उससे प्यार करूंगा? हाँ, इंतकाम के बहुत करीब हूं इसलिए खुश हूं मैं। अल्लाह अल्लाह। अब ये बिल्कुल ठीक है। मैडम लाइन में साफ कर दो। कितनी खूबसूरत है। जी हाँ, अच्छी बनी हुई है। इसके अंदर कुछ नंबर्स भी हैं, कोई स्पेशल मतलब हो शायद उनका, इसलिए हमने उन्हें टच नहीं किया। क्या कोई डेट लिखी हुई है? नहीं, कोई डेट नहीं है। आखिर ये नंबर्स हैं किस चीज के? पागल हो रहा हूँ मैं। इन नंबर्स का ताल्लुक जरूर तुम्हारी मॉम से है खलील, इसीलिए ये रिंग पर भी लिखे हुए हैं। इसका मतलब जैनब के पास जो फाइल्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इन नंबर्स के बारे में जैनब को जानते हो। वो कहते हैं कि वो जानते तो नहीं है, लेकिन मैं पता चला लूंगा।
बहुत शुक्रिया मैडम तशरीफ लाने का। थैंक्स। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। क्या वाकई? बहुत नर्वस हो रही हूँ। सब कुछ ठीक होगा, परेशान मत हो। क्या आप भी मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? हाउ क्यूट। क्या आपने साइंस लगा दिए? जी हाँ, दरवाजे पे लगा दिए। कादर भाई आयशा। मेरा भाई आ गया। मनाएल, जल्दी चलो, तुम्हें तैयार भी होना शादी के लिए। मैं अपना केक बना रही थी, बस आ रही। अरे यार सूफी, क्या तुम तैयार हो? जी हाँ बिल्कुल। अरे ये कौन है? मेरी बेटी है। केक वहाँ पे सही टाइम पे पहुँचा देना। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। बाबा भी आएंगी क्या शादी पर? नहीं बेटा। आप अपने शोहर को भी बुला लें, मैं उन्हें इनवाइट करना भूल गई। अच्छा मैं ले आऊंगी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। चलो फिर मुलाकात होती है। आ जाओ। खुदा हाफिज़। सर और कुछ? और अब यहाँ पे दो तीन कुर्सियां लगा देना, लेकिन तकरीब खत्म होते उठा भी। ठीक है सर। ये यहाँ पे क्यों है? प्लीज ये हटा देना यहाँ से। मुझे लगता है मैं कुछ भूल गई हूँ। सेरेमनी स्वीट्स भुलाई मैं। मैडम परेशान ना हो, मैंने रख दी थी। ओह मैं तो परेशान हो गई थी। इसमें ऐसी कौन सी परेशानी वाली बात थी? किसी को भेज के मंगवा लेते यार। अरे भाई हैं। हेलो कैसे? अच्छा अच्छा हाँ, मेरे साथ ही बैठी है मनाहिल। ओके मैं बात कराता हूँ आपकी मनाहिल से। भाईजान काश आप भी यहां होते। लैला कैसी है उसको मेरी तरफ से पूछिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। आप यहां आ जाते तो कितना अच्छा रहता। ठीक है इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। नाहिल इस तरह से तो मत रो, लोग क्या कहेंगे? ये लड़की अपनी शादी के दिन इतना क्यों रो रही है? इसलिए मत रो। लड़की ने फंसा लिया तुम्हें, वो शैतान है सुन लो। अगर वो शैतान है तो मैं भी जहन्नुम का दारोगा हूँ, मैं सबक सिखा दूंगा उसे। हाँ मीना, वो लोग चले गए हैं यहाँ से, 8 बजे पहुंचेंगे। ठीक है। शादी का केक लेके जाना है मुझे, 6 बजे वहाँ पहुंच जाऊंगी। ठीक है मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ अब। संभल के, ख्याल रखना। परेशान मत हो। मुस्तफा जहाँ जरूर आएगा। मुस्तफा को पकड़ने के चक्कर में ध्यान करना, खलील को कुछ ना हो। तो क्या हुआ?
इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। मुस्तफा खलील को मार देगा और बाद में हम मुस्तफा को रास्ते से हटा देंगे। मेरी बात सुनो, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर जो तुम्हें करना है मुस्तफा के साथ करो। इस वक्त तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की तरफ होना चाहिए, खलील को हाथ मत लगाना। तुम समझ गए मेरी बात? जैसा आप कहें। ऐसा ही चाहता हूं मैं। मनाहिल मनाहिल से शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको बंद करो। क्या हुआ बेटा? ये शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है बंद कराते हैं। अच्छा ठीक है, आराम से मेरे बच्चे। कादिर, इन लोगों से कहो ये शोर करना बंद कर दे। दादी, उसे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ, बिल्कुल भी। तुम जाकर फौरन बंद करवाओगे। अरे यार, इनको तो मैंने स्पेशली तौर पे बुलाया था दादी। जल्दी जाओ कादिर। हाँ तो गई, चले आए। तो हर वक्त बोलता ही रहता है, इसकी समझ ही नहीं आती मुझे। शोर बंद हो गया ना? बहुत शुक्रिया। हाथ दिखाओ। आदर लाया तुम्हारे लिए। नहीं बांधूंगी। रिबन बांधने से क्यों मना कर रही हूँ मेरी बच्ची? मैं ये रिबन नहीं बांधना चाहती अम्मी। क्यों? ऐसा क्या है जो ये रिबन नहीं बांधोगी? हसन, ये क्या पागलपन है? जाओ यहाँ से। मनाही के दिल में बुरे ख्याल आ रहे हैं, समझते क्यों नहीं तुम? क्या ख्याल? अच्छा अभी जाओ तुम, जाओ जाओ ना। किसी को कोई ख्याल नहीं रस्म रिवाज का। सुर्ख रिबन के बगैर कोई दुल्हन देखी है तुमने? लोग क्या कहेंगे? चले जाओ बेटा, चले जाओ बाहर। मेरी बात तो माननी ही नहीं। मनाहिल, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है बेटा। तुम क्यों बुरे ख्यालात अपने दिमाग में ला रही हो? उन सब यादों को एक भयानक ख्वाब की तरह भूल जाओ प्लीज। इधर देखो मेरी बच्ची, मैं सदके जाऊं। आजा। चलो अब बताओ मुझे, है कोई तुमसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत यहाँ? बहुत खूबसूरत। हाँ बताओ। मैं प्यारी नहीं हूँ, मेरी किस्मत प्यारी है। मेरी दुआ यही है कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे और मुझे और खलील को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। चलो बाहर चलते हैं, मुझे लग रहा है मुझे कुछ हो रहा है। तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा, बस घबराहट हो रही है बेटा। अरे रुक, अभी उसके सामने नहीं जाना चलता। ये मुझसे नहीं होगा। ओ मेरा बच्चा। भाई मेरी दुल्हन किधर है? मनाहिल,
तुम्हारा दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या हो रहा है? मैं अपनी दुल्हन को लेने आया हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह नजरी पद से बचाए मेरी बेटी को। आंटी जी, मेरा बेटा। दादी जी, जीते रहो बेटा। मदाहिल, अब तुम बाहर आ सकती हो बेटा। अरे यार, ये दोनों फिर शुरू हो गए। शादी होने वाली है तुम दोनों की। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, क्यों खरीद? बिल्कुल। खुदा ने चाह तुम मनाहिल तो खुल जाओगी। बहुत मुबारक हो। आ जाए। शबनम, यहाँ आ जाओ, इसे वहां पर रख दो। हाँ बोलो जरा। अंकल आपने कॉल की थी। हाँ, मैं ये कहने वाला था कि तुम्हें शादी पे इनवाइट तो जरूर किया होगा। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें आके पिक कर लूँ। अंकल बस करें, खलील जब ये जानेगा कि उसकी माँ को किसने मारे, फिर मैं हंसूंगी और आप रोएंगे। बेटा मेरे पास ही रहो। छोड़ दो, मैं देख लेता हूँ। शबनम। सो स्वीट, कितनी क्यूट है ना? इधर आओ। वो कुछ नहीं करी, परेशान मत हो। नहीं कहीं ड्रेस खराब ना करते। अच्छा चलो अंदर चलते हैं। मना भी किया था ना मैंने तुम्हें। मैंने क्या किया? हर कोई अपनी आंखें खुली रखे, मुझे कुछ भी गलत नहीं चाहिए। सब अपनी पोजीशंस पे चले जाएं। आंटी जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुबारक हो। Thank you.
मनाहिल आओ। मनाहिल मैंने तुम्हारी दुकान से केक ऑर्डर किया। अब हमें कोई नहीं अलग कर सकता। I love you so much. I love you too. हम मुस्तफा को नहीं पकड़ सके। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, कब तक मुझसे बचेगी? दूसरे का कितना इंतजार किया है, अब मैं तुम्हारा शौहर और तुम अब मेरी बीवी हो। दूर रहो। क्या कहा? मैंने यही कहा, दूर रहो मुझसे। क्या समझती अपने आप को? मैंने कहा मत करो, छोड़ो मुझे। तुम मना कैसे कर सकते हो मुझे? आज के बाद हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता मनाहिल। खलील दूर रहो। क्या हुआ मनाहिल? मनाहिल सब ठीक है ना? मुझे हाथ मत लगाओ।